हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में सिखाने जा रही हूँ 5, 6 और 7 नंबर के लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण के लिए ये बहुत ही प्रिटी सी गरबा ड्रेस, जो कि बताने में बहुत ही इजी है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल की गरबा ड्रेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कॉटन का कपड़ा। सिर्फ मैं कपड़े से ही उनके गरबा ड्रेस बनाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ और मैं 2 कलर का यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं धोती बनाऊंगी उनकी, और इस कलर से रेड कलर भी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कितना है। तो ये पीस लिए हैं मैंने, वो 2 पीस लिए हैं। देखिए, 2 पीस हैं ये, 5 इंच दोनों साइड से हमको ये 5 इंच लेना है। दोनों साइड से हमने 5 इंच ले लिया, इसको हम साइड में कर देते हैं। हमने एक पीस और लिया है कपड़े का, देखिए हम डबल फोल्ड करके रखा हुआ है ये इस तरह से। इसकी चौड़ाई है 2 इंच इसकी चौड़ाई है, और लगभग 30 इंच इसकी लंबाई है, 30 इंच और 2 इंच। इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ हमने एक पट्टी और ली है जिसकी जो चौड़ाई है वो है 2 इंच, और जो लंबाई है वो है लगभग 9.5 इंच। लगभग 9.5 इंच इसकी लंबाई है। ये हमारी सिंगल पट्टी है, इसको हम कट कर लेते हैं। मैंने डबल लग रखी हुई है तो हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमने सिंगल पीस लेना है, इसे हम मुकुट की कलंगी बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक पट्टी और ली है जिसकी चौड़ाई है लगभग 2 इंच, और जो लंबाई है वो है 8 इंच। इससे हम उनका मुकुट बनाएंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी पट्टी मैंने नेफे के लिए ली है, लगभग 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 7 इंच इसकी लंबाई है। ये नेफे के लिए है। यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं जो चोली के लिए ली हैं। तो चौड़ाई लगभग 2.5 इंच, 2.25 भी आप रख सकते हैं लगभग। तो दोनों की सेम है। और लंबाई मैं बता देती हूँ कितनी है। लंबाई 5.5 इंच मैंने रखी है। तो ये 2 पट्टियाँ हमारे चोली के लिए है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो पीस है वो लेंगे, इनको हम इस तरह से अलग अलग पार्ट करेंगे। सीधा उल्टा आप देख लेंगे किस साइड है, ये साइड मेरी सीधी है। और यहाँ पर हम ये लेस भी यूज़ करेंगे। इस लेस का यूज़ मैं टोटल उसमें करने वाली हूँ, टोटल ड्रेस में। और यहाँ पर मैंने कुछ स्टोन्स लिए हैं शीशे वाले इस तरह से। ये मैं मिरर वर्क में इसमें यूज़ करूँगी, स्टिक करूँगी तो उसके लिए है। और स्टिक करने के लिए मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है, आप ग्लू गन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जो लेस है, इस लेस को ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके इसको किनारे किनारे आप यहां से लेकर यहां तक आप इसको रख लें। दोनों ही साइडों में यहां से यहां तक हम इसको रख लेंगे। तो मैं स्टिच कर लेती हूं, उसके बाद बताती हूँ आगे क्या करना है। आप हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं, अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ की सुई धागे का भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी लड्डू गोपाल की ड्रेस है। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। 5 और 6 नंबर को ये बिल्कुल फिट आएगी, तो आप 3 नंबर को भी आप इनको पहना सकते हैं। तो मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने ये लैस रख ली है, इस तरह से ये लैस रखना है। उसके बाद हम ये पीस लेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। लगभग 1.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया दोनों को, इस तरह से बराबर रखेंगे और लगभग 1.5 इंच पर यहाँ पर मार्क लगाएंगे ऐसे। और इसको हल्का सा शेप दे देंगे, राउंड शेप थोड़ा सा हल्का सा, और इसको कट कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको कट कर देंगे। तो ये शेप हमारा आएगा, ये शेप हमारा आएगा। अब हमें क्या करना है,
देखिए इसको हमने यहाँ पर इस तरह से रखना है और इस तरह से हमने यहाँ प्लेट्स डाली हैं इस तरह से, और इधर की प्लेट्स इधर डाल लेंगे इस तरह से, प्लेट्स डाल के इसको स्टिच कर देना है इस तरह से, हमने प्लेट्स डाल लेनी है और दूसरे पार्ट में भी हमें इसी तरह से प्लेट्स डाल लेनी है। इस तरह प्लेट डालने के बाद अब हम उल्टी साइड से इस पर नेफा रखेंगे। मैं स्टिच कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने नेफा रख लिया है। अभी नेफा रखने के बाद हम इसको ड्रेस को हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद जो हमने ये पट्टी ली है 30 इंच की, जो हमने पट्टी ली है उस पर हम ये लैस लगाएंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर किनारे किनारे लैस लगाया है उसी तरह से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको लैस को लगाना। और इस तरह से हम यहां से लेकर यहां तक रख लेंगे। बस एक साइड ये वाला हमें छोड़ देना है। तो मैं पूरे पे स्टिच लैस स्टिच कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए मैंने लैस रख ली है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके प्लेट्स बनानी है। इस तरह से गहरी गहरी आप प्लेट्स बना लें, किसी भी तरफ आप इनको मोड़ सकते हैं। जो प्लेट्स हम बनाएंगे इस तरह से, हमें प्लेट्स इतनी बनानी है जितनी हम इसके ऊपर टोटली यहाँ से यहाँ तक हमारी पूरी प्लेट्स आ जाए। तो ये मैं पूरी प्लेट्स बना देती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। प्लेट्स के लिए सबसे आसान तरीका ये है, आप इसको जो घेर है उसको फोल्ड कर लें और यहाँ पर आप मार्क लगा लें। उससे पता चल जाएगा यहाँ पर हमने आधा हिस्सा जो है, इस मार्क का आधा हिस्सा यहाँ बीचों बीच तक हमें ये प्लेट्स भर लेनी है। ये प्लेट्स हमें इतने हिस्से तक, इस पूरे कपड़े की प्लेट्स हमने इतने हिस्से तक बना लेनी है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स डाल ली हैं और ये हमारे नेफा है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसमें डोरी डालेंगे। इस तरह से डोरी डालेंगे और डोरी में आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं लास्ट में टैसल्स लगाऊंगी। टैसल्स बनाने के लिए हम इस तरह से चौकोर कपड़ा लेंगे। 2 इंच का मैंने कपड़ा लिया है ये, और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, कोने से कोना मिला देंगे और इसको हम यहाँ रखेंगे ऐसे। और इस तरह से अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको स्टिच कर देंगे अच्छे से, और यहाँ पर डबल सिलाई लगा देंगे और फिर हम इसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद हमारा टेसल्स प्यारा सा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं टेसल्स लगाऊंगी, ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, आप चाहे तो नहीं। तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से आप इसको फोल्ड कर दें यहाँ पर, और यहाँ किनारे किनारे लास्ट तक इसको स्टिच कर दें। देखिए इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है और इस तरह से हम इसको कमर में बांधेंगे। इस तरह से हमारी गरबा जो धोती है वो रेडी हो चुकी है। इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम इनके लिए ये जो पट्टियाँ हैं, हमने 2 पट्टियाँ ली थी, उसमें हमें क्या करना है, हम यहाँ पर लैस रखेंगे। जिस तरह से हमने इसमें लैस रखा है, टोटल लैस हम इसी तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको फोल्ड करते हुए यहाँ तक इसको लैस को रख लें। दोनों पट्टियों में, दोनों साइड आप लैस रख सकते हैं। तो मैं इसमें एक साइड लैस रख रही हूँ। इस तरह से इन दोनों पट्टियों में लैस रखना है, और जो मुकुट का जो पार्ट है उसमें भी आपको इसी तरह से लैस रखना है। इस तरह से आप लैस रख लें दोनों साइड में, दोनों साइड लैस इसमें रखूंगी। और जो ये पट्टी हमने ली है उसमें हमने जिस तरह से घेर में हमने रखा है लैस, उसी तरह से हमने ये लैस इस तरह से रख लेनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिस्सा हमने छोड़ देना है। तो इन तीनों पर मैं लैस रख लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए तीनों पार्ट पे मैंने ये लैस है वो रख ली है। उसके बाद हमने जो चोली के पार्ट्स लिए हैं उनको हम लेंगे सबसे पहले। तो ये पार्ट्स जो हैं हम इस तरह से, ये देखिए लगभग हमने 2 इंच तक इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 इंच तक हम इसको स्टिच कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ वापस ले आएंगे सिलाई। तो ये हमारी चोली बन जाएगी। इस तरह स्टिच करने के बाद जो हमने घेर लिया है इसको हम इस तरह से लेंगे, यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद जो इसका जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम इस मार्क पे रखेंगे इस तरह से,
यहाँ पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल सिलाई लगा देंगे, स्टिच कर लेंगे। देखिए मैंने इसको स्टिक ज्वाइंट कर लिया है, इसको इस तरह से बैक साइड में ले जाएंगे और ऐसे इसको पिन्हा देना है, ऐसे इसको बांध देना है। तो ये हमारा बहुत ही प्यारी सी गरबा ड्रेस लड्डू गोपाल के लिए रेडी हो गई नवदुर्गो में पहनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर मुकुट बनाएंगे। तो मुकुट बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये पट्टी पर लैस रख ली है, उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, लगभग हमारी 3 उंगलियां इसके अंदर आ जानी चाहिए, तो लड्डू गोपाल को ये फिट आएगी एकदम। और यहाँ से यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे और फिर बैक साइड में ले जाएंगे इसको, और बैक साइड में ले जाकर इधर की साइड हम इसको स्टिच कर देंगे। आप चाहे तो सुई धागे से इसको स्टिच कर दिए, क्योंकि मशीन चलना मुश्किल है, यहाँ तो मशीन चल सकती है लेकिन यहाँ नहीं चलेगी, तो आपको एक साइड में आपको सुई धागे का यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, बहुत ही प्यारी सी पगड़ी रेडी हो गई है। उसके बाद हम इसको साइड में रख देंगे, और जो ही हमने जो कलंगी के लिए जो हमने कपड़ा लिया है उसको उसमें हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। इस तरह से अच्छे से प्रेस कर देंगे और इनको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद ये देखिए, बराबर करने के बाद हम यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। देखिए मैंने ये मशीन से स्टिच कर लिया, आप चाहे तो हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं। और इस तरह की कलंगी रेडी हो गई है, और उसके बाद हम इसको कान्हा जी की पगड़ी में सेट कर देंगे। चाहे तो आप यहाँ सेट कीजिए, या फिर आप इसमें सेट कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, आप कहीं पर भी इसको सेट कर दीजिए। तो मैं इसको यहाँ पर स्टिच कर दूंगी, और स्टिच करने के बाद एक टाका आपको यहाँ लगा देना है और एक टाका आपको यहाँ लगा देना है, जिससे अच्छे से ये फैल जाए। तो इस तरह से आपकी पगड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से ये पगड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। मैं इसको स्टोन से, जो मैंने मिरर स्टोन है उससे मैं डेकोरेट कर लूंगी इसको। आप चाहें जिस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए।